हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे लौकी चना दाल की रेसिपी जो छठ पूजा स्पेशल है, जिसमें कोई भी लाल चीज़ या फिर लहसुन और प्याज यूज़ नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डिटेल्ड रेसिपी। लौकी चना दाल बनाने के लिए हमें लौकी और चना दाल चाहिए। चना दाल को मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। मैंने यहाँ पे हरा मिर्च, आदि, जीरा और गोलकी लिया है। इन इन्ग्रीडियंट्स को पीस के इसका पेस्ट बना लेना है। सिंस मेरे घर में कोई छठ पूजा नहीं कर रहा है तो मैं कोई भी ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आपको घी यूज़ करना है अगर आप छठ पूजा कर रहे हैं तो। फिर उसमें एक चम्मच जीरा डालना है जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, और कटी हुई हरी मिर्च। इसे 10 सेकंड्स तक फ्राई कर लें। मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है। 10-20 सेकंड्स बाद हम इसमें लौकी डाल देंगे और इसे अच्छे से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट बाद इसमें एक चम्मच हल्दी डालेंगे, इसे अच्छे से मिला लें। हल्दी को मिलाने के बाद इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। फिर मैंने जो पेस्ट तैयार किया था मैं वो डाल रही हूँ। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें और 1 मिनट तक फ्राई करें। 1 मिनट होने के बाद इसमें चना डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और 2 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई करें मीडियम टू हाई फ्लेम पर। 2 मिनट होने के बाद इसमें नमक डाल दें स्वाद अनुसार। मैं यहाँ पे नॉर्मल वाइट नमक यूज़ कर रही हूँ। अगर आप छठ पूजा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है। 2 मिनट इसे भूनने के बाद मैं इसमें 1.5 ग्लास पानी डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे मीडियम साइज ग्लास का यूज़ कर रही हूँ। 1.5 डालने के बाद इसे ढक दे और उबलने के लिए छोड़ दे। अब 15-20 मिनट्स बाद लौकी चना दाल की रेसिपी बन के बिल्कुल तैयार है, छठ पूजा स्पेशल। आई होप आपको ये रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एंड हैप्पी छठ पूजा।